श्रोताओ नमस्कार। देश भर में जुलाई और अगस्त का महीना दस्त नियंत्रण अभियान के तौर पर मनाया जा रहा है, यानी डायरिया कंट्रोल कैंपेन। ये डायरिया क्या है, ये अभियान क्या है और दस्त रोग जो है उसके कारण, इलाज और बचाव के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमने जहमत दी है डॉक्टर संजीव डिगरा को, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, ये बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इसे हम दस्त नियंत्रण अभियान के रूप में मना रहे हैं इन दो महीनों की अवधि को। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए आप बताएं कि ये अभियान क्या है। पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और देखिए, डायरिया जो है ये बेसिकली जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं दस्त, दस्त लग गए तो उल्टियाँ होना या उसके साथ लूज टूल्स आना, पतले दस्त होना, इसके वजह से बच्चों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा खतरा रहता है, वो पानी की कमी होने का रहता है जी। एक तो वो जब बीमार होते हैं जब तो उस समय खुद खाना पीना भी कम कर देते हैं जी। और हमारी कुछ पुरानी जो भ्रांतियां हैं या पुराने हमारे कुछ कि भाई जब बच्चा बीमार है तो उसको ऐसे ही खाना पीना उसका कम कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है कि जितना खिलाएंगे तो और ज्यादा जी इसको दस्त लगेंगे, तो वो सब चीजें जो है वो गलत फहमियां हैं। तो उनको भी दूर करने के लिए, लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये बीमारी क्या है, इससे बचाव कैसे करना है और अगर हो जाए तो इसका घर में तुरंत आप क्या क्या इलाज कर सकते हैं और अस्पताल में जाके आपने कैसे इलाज करवाना है, वो सब चीजों जो है लोगों में ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इस चीज़ के बारे में नॉलेज बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ इसका रोकथाम करने के लिए ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पहले से ही डायरल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चला रहे हैं, जो पहले नेशनल डायरल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, फिर 2014 में इंटेंसिफाइड डायरल कंट्रोल फोर्टनाइट जो है वो मनाया जाने लगा और उसमें दो हफ्ते के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती थी। पर अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो पीछे रिसेंटली हुआ, तो उसमें देखा गया है कि सब कुछ करने के बावजूद भी जो हमारे देश में आधे से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वहाँ पे डायरियल डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ गया है जी, उसका प्रेवलेंस ज़्यादा देखा गया। तो इस बार गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम शुरू किया जिसमें कि सेम एक्टिविटीज़ जो हैं वो दो हफ्ते के बजाय दो महीने चलेंगी जी, और वो 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलना है, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड है जब मैक्सिमम डायरियल डिजीज़ यानी कि मैक्सिमम बच्चों को ये दस्त लगते हैं और ये वाली प्रॉब्लम होती है जी। डॉक्टर साहब, हम आमतौर पर देखते हैं बच्चों में दस्त लगना एक आम चीज़ मानी जाती है और जैसा आपने कहा कि इस बार इसको हम दो महीनों के लिए इस अभियान को चला रहे हैं, ये तो इसकी गंभीरता को देखते हुए, तो मैं चाहूँगा कि आप सुनने वालों को ये भी बताएं कि डायरिया किस तरीके से जानलेवा भी हो सकता है और इसकी वजह से जो मृत्यु दर है बच्चों में, छोटे बच्चों में हो जाती है डायरिया की वजह से, जिसे हम बड़ी आम सी मामूली बीमारी समझते हैं, इसकी गंभीरता के बारे में आप बताइए। देखिए, ये वाकई गंभीर बीमारी, आपकी गंभीरता, ये इसकी गंभीरता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारे देश में साल में करीब करीब 1 लाख के करीब, 1,10,000-20,000 के करीब जो है बच्चों की जान चली जाती है इस रोग की वजह से जी। जबकि हम इसको बड़ा लाइटली ले लेते लेते हैं। मोशन लग गए, वॉमिटिंग है, अभी ठीक हो जाएंगे, पानी पिला लो या तो, पर इसका एक प्रॉपर तरीका है इससे, पहली बात तो इससे बचने का जी। उससे पहले जो आपने मुझे पूछा कि इसकी और क्या क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि देखिए पानी की कमी हो गई, पानी की कमी होने की वजह से जो है हमारा जो सर्कुलेशन है आप समझ लो कि वो ही प्रॉपर नहीं रहेगा और हमें जो हमारा ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से दौरा नहीं करेगा और उसकी वजह से बच्चा शॉक में चला जाता है जी। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिया हम कहते हैं, यानी कि ब्लड की अंदर जो मात्रा ही कम हो गई क्योंकि इससे पानी निकल गया जी। दूसरा, इसकी वजह से क्या होता है कि अंदर से जो पानी के साथ साथ सॉल्ट भी निकल जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम है, पोटेशियम है, ये इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, ये भी निकल जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में बड़े सारे मिनरल्स हैं या सॉल्ट्स हैं उनकी कमी हो जाती है, इम्बैलेंस शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि हो सकता है कि ब्रेन में इसका इफेक्ट आए तो बच्चे को दौरे भी पड़ना शुरू हो और बच्चा कोमा में भी जा सकता है और फाइनली बच्चे की डेथ भी। किडनीज पे असर पड़ता है, अगर ज्यादा देर के लिए बच्चा डिहाइड्रेट है किडनीज जो है वो इफेक्टेड हो जाती है, ये जो है शरीर में काफी तरह का नुकसान कर सकती है जी। तो इसलिए इसका सबसे पहली बात है कि इसकी तो रोकथाम की जाए, रोकथाम के लिए हमें यही ध्यान रखना है कि साफ सफाई का ध्यान रख, पानी खासकर से साफ होना चाहिए, अगर आपके घर में फिल्टर पानी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उबाल के पानी पीजिए। और नंबर दो है कि अपनी साफ सफाई का भी, बच्चे की साफ सफाई का ध्यान रखना है, स्पेशली खाना खाने से पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोएं,
ये आमतौर पर होता है कि हम सिंपल पानी से हाथ धो लेते हैं, आज ही हमने हाथ धो लिया, वो नहीं चलेगा, या मिट्टी से हाथ धो लिया, राख से हाथ, नहीं, आप साबुन से हाथ धोइए। ये तो हमने कोविड में भी अच्छे से सीख लिया है। इसके अलावा जब आप टॉयलेट जाते हैं और टॉयलेट से बाहर आते हैं उसके बाद भी अच्छे से साबुन और पानी से। जी डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि दस्त तो बड़े लोगों को भी लगते हैं, जो एडल्ट्स हैं उनको भी दस्त हो जाते हैं, लेकिन बच्चों में ज्यादा गंभीर रूप लेता है ये। मैं आपसे चाहूंगा अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए कि बच्चों पर ही इनका ज्यादा प्रभाव क्यों पड़ता है। देखिए बच्चे जो हैं, एक तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि अगर उनका, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उनको वो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं जी एडल्ट्स पे जी अपनी केयर के लिए। आपने पानी नहीं पिलाया, उन्होंने नहीं पिया, बड़ा तो है उसको पता है मुझे अब दस्त लगे हैं, मुझे पानी पीना है, ORS पीना है, पर बच्चा तो नहीं ये सब चीज का ध्यान देगा, उसको पता भी नहीं होगा। और अगर माता पिता ध्यान नहीं देंगे तो वो कब शॉक में चला जाएगा, कब अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जैसे बच्चा अपने आपको नहीं बता सकता, बता ही नहीं सकता है, और उसको पता भी नहीं रहेगा कि भाई उसको क्या करना है। तो इसलिए जो बच्चे हैं किसी भी तरह की बीमारी में ज्यादा वल्नरेबल तो रहते ही रहते हैं। और ये भी है कि उनका बॉडी साइज भी कम होता है, अभी उनका इम्यून सिस्टम भी उतना मैच्योर नहीं होता है, तो उस वजह से वो लोग इन्फेक्शंस को और उसके बाद इन्फेक्शन के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो इल इफेक्ट्स हैं उनके। जी, और मेनली इसका जो कॉज है, इसकी इस बीमारी के फैलने का या लगने का कारण ये है कि सफाई की, गंदगी की वजह से हो सकता है। मेन तो गंदगी है, क्योंकि अब जैसे बरसातों के मौसम में यही होता है कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं जी, और अगर खाना आपने ढक के नहीं रखा है और मक्खियाँ उस पर आके बैठ रही हैं, तो मक्खियाँ तो हमको पता है गंदगी पे भी बैठती हैं, और फिर वहाँ से आके खाने पे बैठी तो वो इन्फेक्शन उन्होंने खाने तक पहुँचा दिया, वही खाना जब हमने खा लिया तो वो इन्फेक्शन हमको हो गया जी, उसी से पेट खराब हो जाएगा। तो एक तो खाना जो है ढक के रखें, अगर घर में आपने बना के रखा है खुला ना छोड़ें। दूसरा कोशिश करें कि घर में इतनी सफाई रखें कि घर में मक्खियां ना हो। दूसरा, बाहर अगर आप खाना खाने जा रहे हैं वहां भी ध्यान रखें, खाना ऐसा ना खाएं जिस पे आपके सामने आपको लग रहा है खुला पड़ा हुआ और मक्खियां बैठ रही हैं उस पे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है हैंड वॉशिंग, पर्सनल हाइजीन और हैंड वॉशिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली खान पान। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं 1, 2, 4, 5, 6 महीने तक, और डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए। माँ के दूध के और भी बहुत सारे फायदे हैं, बच्चे के इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा होता है, उसमें मददगार साबित होते हैं, और प्लस ये इसको माना जाता है कि हाइजीनिक रहता है जो माँ का दूध है, वो उसमें कोई इन्फेक्ट। आमतौर पर हम देखते हैं कि आजकल वर्किंग वुमेन है वो बॉटल के ऊपर, फीडर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, बच्चों को बाहर का दूध भी बच्चों को पिलाया जाता है, तो क्या उन चीज़ों का भी इन पर प्रभाव होता? जब हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, स्पेशली जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं। अगर वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है, डायरिया से समझ लीजिए कि उनको टोटल प्रोटेक्शन मिल रही है, और अगर बाय द वे उनको उसके बावजूद भी डायरिया हो जाता है तो मदर अपना ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखे, डॉक्टर की सलाह से जो भी उसको ट्रीटमेंट जैसे ORS या जिंक दिया जाता है वो दे। और ज़्यादातर हमने देखा है जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होते हैं, स्पेशली जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, वो बड़े जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। पहली बात तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं जी, और नंबर दो, अगर हो भी जाए तो जल्दी वो रिकवर भी कर जी। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि माँ, या तो माँ के अंदर दूध उतना तैयार नहीं होता बच्चों को पिलाने के, या फिर ऐसी कुछ हालात होते हैं कि वर्किंग वुमेन है वो उतनी देर छुट्टी नहीं ले सकती, घर में नहीं रुक सकती, उसकी वजह से उनको बॉटल का दूध, फीडर से दूध पिलाना पड़ता है। तो अगर पिलाना पड़ता है, पहली तो बात है कि नहीं पिलाना चाहिए, अगर पिलाना पड़ता है तो उसमें किस तरह की एहतियात बरती जानी चाहिए? देखिए इसमें सबसे पहली बात तो है कि बोतल का तो कहीं कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। मैं सभी पेरेंट्स से यही दरख्वास्त करूंगा कि बोतल का इस्तेमाल करें जी। अगर उनको किसी वजह से, जैसे मदर को ड्यूटी पे जाना है या काम से जाना है, तो वो अपना दूध एक्सप्रेस करके साफ बर्तन में रख के छोड़ जाए, जिसको पीछे से कोई भी घर में जो उस बच्चे की केयर कर रहा है वो चम्मच कटोरी से उसको पिला सके जी। बेस्ट है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद अगर बाय द वे आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो अपना ही दूध आप छोड़ के जाएं बच्चे के लिए, जो कि पीछे से उसको चम्मच कटोरी से पिलाया जाए, बॉटल से नहीं जी। और अगर बाय द वे कभी किसी वजह से दूसरा दूध पिलाना ही पड़ रहा है, माँ का दूध नहीं पिला पा रहे, तो वो भी साफ सफाई से चम्मच कटोरी से पिलाया जाए। बॉटल जो है वो एक तरह से सबसे बड़ा दुश्मन है, और डायरियल डिजीज़ का एक बहुत बड़ा कारण बॉटल, क्योंकि बॉटल जो है शुरू करना एक फैशन बन गया जी। बड़ा और आसान भी लगता है कि ठीक है जी, बॉटल में दूध डाला और बच्चे के मुंह में डाल दिया और बच्चा पी रहा है, उसको इस्तेमाल कैसे करना जी, इसका ज्ञान लोगों को आमतौर पर होता ही नहीं है जी। नंबर दो, ये जो बॉटल है इसको बहुत ज्यादा अगर आप हाइजीन भी बरतें तो भी रिस्क रहता है। अच्छा, एक चीज हो रहा है कि अब लोगों में ये भी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं कि नहीं जी, ये जो प्लास्टिक की बॉटल है इसकी जगह आप शीशे की यूज करो तो बड़ा अच्छा है, इसको अगर आप स्टील की यूज कर लो तो और अच्छा है। ऐसा नहीं है,
बॉटल किसी भी प्रकार की, चाहे स्टील की हो, कांच की हो, प्लास्टिक की हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप सोने चांदी की भी कोई बनवा ले तो भी बॉटल जो है उससे इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फेक्शन होगी और वो बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है जी। तो सबसे पहली बात तो यही हमें अपने मन में बनानी है कि हमने अपने बच्चे को कभी बॉटल शुरू करनी ही नहीं है जी। बेस्ट है पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए, 6 महीने के जैसे बच्चा 6 महीने का होता है उसको खान पान शुरू कर दीजिए जी, हल्का हल्का, और वो पहले सेमी सॉलिड्स देने हैं, फिर धीरे धीरे सॉलिड की तरफ जाना है, और आपको खुद ही इस चीज का एहसास हो जाएगा कि बॉटल की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, हमने जी, जी, एक ब्लॉक बना जी। डॉक्टर साहब आपने ये तो बहुत बढ़िया बातें बताई कि हमें माँ का दूध ही बच्चे को पिलाना चाहिए, और अगर कभी दूसरा दूध पिलाना भी पड़े तो वो चम्मच कटोरी से, चम्मच कटोरी से पिलाना और बॉटल से पिलाना इसमें क्या फर्क है, मतलब किस तरह बोतल से दूध पिलाने से बच्चा ज्यादा वल्नरेबल रहता है उसके लिए? देखिए बोतल की ना साफ सफाई करना बहुत ही मुश्किल रहता है जी। अक्सर आपने देखा होगा बॉटल्स के अगर अंदर से अंदर आप कैसे उसको सफाई करोगे जी, उबाल लो, आजकल स्टरलाइजर भी आए हैं उसमें भी लोग डालते हैं, पर उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं, चांसेस रहते। दूसरा क्या होता है कि बॉटल पिलाई, जितना दूध बच्चे ने पिया बाकी जो बच गया वो ऐसे साइड पे रख दिया, थोड़ी देर बाद वही बॉटल उठा के फिर मुंह में डाल दी जी। अब वो बॉटल जब बाहर पड़ी है वो ऊपर उसको कवर नहीं किया, कहीं उस पर मक्खियां बैठ रही हैं या आप कोई चीज उसके साथ टच कर रहे हो, वैसे भी अगर एक्सपोज्ड है तो उस पर बैक्टीरिया या जर्म्स आ सकते हैं। यस, और ऐसे भी कई बार हम देखा बॉटल ऐसे बिस्तर पे पड़ी रहती है, वहीं बच्चे ने यूरिन भी पास कर दिया, स्टूल भी पास, थोड़ी देर पे बॉटल पड़ी हुई है, फिर वही बॉटल उठा के मुंह में डाल देते हैं, नॉलेज नहीं है, अज्ञानता है। तो वो सब चीजें जो है वो रीजन रहता है। और दूसरा जो है कि बॉटल फीडिंग से और भी बॉटल के साथ क्या होता है, एरोफेजिया बड़ा होता है, जब बॉटल बच्चा पी रहा होता है तो वो दूध के साथ साथ हवा भी बहुत ज्यादा अंदर लेता है, उसके बाद अक्सर बच्चे पेट में अफार टाइप हो जाता है, जिसको गैस बन जाती है, फिर रोता रहेगा, एक्सेसिवली क्राई करता रहेगा, फिर उसके बाद वो ढकान निकालने के चक्कर में कई बार पूरा दूध भी उल्टी कर देगा, तो पेरेंट्स फिर घबरा जाते हैं। तो चम्मच कटोरी से ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। एक तो आप चम्मच कटोरी अच्छे से धो सकते हैं, अच्छे से अगर आप साफ कर लें तो वो बिल्कुल समझ लीजिए कि इन्फेक्शन रहित हो जाती है। और नंबर दो कि आप जब उससे दूध पिलाते हैं तो ये जो एरोफेजिया और वो सब चीजों की प्रॉब्लम नहीं होती जी। पर सबसे बेस्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसी बड़ी रेयर सिचुएशन होती है जहां पे कि ब्रेस्ट फीडिंग हम मना करते हैं जी, या जहां कहीं ब्रेस्ट फीडिंग स्टेब्लिश ना हो पाए जी। आमतौर पे जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती है लैक्टेशन फेलियर होते हैं, जहाँ पेरेंट्स आके हमें बोलते हैं ये दूध नहीं आया या दूध नहीं, वो बेसिकली सारा साइकोलॉजिकल है जी। उसका कारण ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ ने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया जी, और हम फैमिली मेंबर्स का और डॉक्टर्स का हमारा भी कसूर रहता है कि हम उसको प्रिपेयर ही नहीं कर पाते जी। ये हमने उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रिपेयर करना है कि बेटे तुमने बाद में अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है जी। जब वो उस पॉजिटिविटी में रहेगी तो 99.9% चांस है कभी लैक्टेशन फेलियर नहीं होगा जी। क्योंकि जब वो अचानक हम उसको बोलते हैं ना, एक तो वो स्ट्रेस में होती है जब डिलीवरी होती है, और उसके बाद अचानक हम उसको बोलते हैं जी अब तुम अपना दूध पिलाओ फटाफट, तो उस समय अक्सर वो घबराहट, एंग्जाइटी और जी, जी, जी। ऐसा हो जाता है, और फिर उसके बाद परिवार वाले भी आगे पीछे आ नहीं रहा है, मदर तो टोटली नेगेटिविटी में चले जाती जी। तो वहीं से फिर कोई आ जाता है बीच में, कहता है जी बॉटल पिला दो जी। अब एक बार जब बॉटल लगा दी तो बच्चे को भी आदत हो गई बॉटल की जी, क्योंकि बॉटल से दूध तो फटाफट आ जाता है घटाघट, कोई जोर नहीं लगाना है, माँ का दूध पीने के लिए बच्चे को जोर लगाना है, थोड़ी हिम्मत करनी, थोड़ी मेहनत करनी, तो उसी वजह से नुकसान इतना जो है उठाना पड़ा, हमने पैदा किया जी, वो निपल कंफ्यूजन उस बच्चे को हमने दिया जी। डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि किन किन चीजों का एहतियात जो है हम बरतेंगे तो बच्चों में दस्त नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे को दस्त हो जाता है उसके शुरुआती लक्षण क्या है और ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर किसी को दस्त हो जाए बच्चे को, तो सबसे पहले तो देखिए लक्षण तो यही है कि उसको बार बार, जैसे पहले वो स्टूल पास कर रहा वो अब लूज हो जाए जी, ठीक है, पहले से ज्यादा उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर दो, वो बार बार करने लगा, तो हम मानते हैं कि दिन में, देखिए छोटे बच्चों में कुछ बात अलग होती है, 6 महीने से छोटे बच्चे जो है अक्सर वो दिन में नॉर्मली भी स्टूल कोई 5-6 बार स्टूल पास कर सकते हैं, जितनी बार दूध पीते हैं शुरू शुरू में उतनी बार कर देते हैं, उनको हम दस्त की कैटेगरी में नहीं लेते। पर हाँ, जो बड़े बच्चे हैं उनमें अगर बच्चा दिन में तीन से ज्यादा बारी लूज स्टूल पास कर रहा है, जितने जैसे स्टूल पैसे पहले पास कर रहा था उससे ज्यादा लूज पास कर रहा है, पानी की मात्रा बढ़ गई है उसमें, और तीन या तीन से ज्यादा बारी कर रहा है, तो हम मानते हैं कि अब उसको डायरिया शुरू हो जी, या फिर वो उल्टियां कर रहा है और जो भी पीता है निकाल देता है, कुछ पचा नहीं रहा, वो भी हम उसको मानते हैं कि अब इसको जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि डायरिया शुरू हो गया इसको। तो उस कंडीशन में इससे पहले कि बच्चा डिहाइड्रेट हो जाए हमको ORS शुरू करते हैं जी। ORS जो है ये समझ लीजिए कि ये जीवन रक्षक है जी स्थिति में, और आज की डेट में हम ये रिकमेंड करते हैं कि डायरिया का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ORS प्लस जिंक है।
इसके अलावा ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं जी। कई पेरेंट्स एंटीबायोटिक्स फटाफट घर में शुरू कर लेते हैं, ले आओ जी ये फलाना एंटीबायोटिक ले आओ, किसी ने बोल दिया जी शुरू कर लिया, मत करें। मेजॉरिटी ऑफ डायरियल केसेस होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन से होते हैं जी, तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, उल्टा एंटीबायोटिक जो है बच्चे के लिए नुकसान करें नुकसानदायक है और वो चीजों को कॉम्प्लिकेट भी करता है जी। तो आप घर में ORS और जिंक शुरू कर लीजिए। अभी देखिए ये जो स्टॉप डायरिया कैंपेन चल रहा है इस समय भी जो है आशा वर्कर्स जो हैं वो घर घर जाके जिस भी घर में 5 साल से छोटा बच्चा है वहाँ 2 पैकेट ORS को और 1 जिंक की जो दवाई है वो दे के जा रही है जी। तो ये हर घर में होनी चाहिए, स्पेशली जहाँ पे 5 साल से छोटा बच्चा है वहाँ पे ORS और जिंक हमेशा होना चाहिए। और जैसे ही दस्त शुरू होते हैं आपने यही शुरू करना है। और अगर बाय द वे आपके पास ORS नहीं है या किसी वजह से ORS बच्चा नहीं पी रहा है, उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो आप होम मेड ORS भी दे सकते हैं। जैसे चावल का पतला पिच बना के उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए, दाल का पानी है, राइस वाटर कांजी है, नारियल का पानी है, ये सब चीज़ें जो है फ्रेश नारियल पानी बॉटल्ड वाला नहीं फ्रेश, ये सब चीज़ें भी दी जा सकती हैं। अपने घर में नींबू पानी बना लीजिए, घर में जो आप ORS बनाते हैं 1 लीटर पानी लीजिए, 6 चम्मच उसमें चीनी डाल लीजिए, 1/2 चम्मच उसमें नमक डाल लीजिए, अगर नींबू डाल लें बीच में तो बेस्ट है, तो वो पिलाइए उसको, वो भी ORS का काम करेगा। बट अदरवाइज नहीं तो बने बनाए ORS के पैकेट आजकल फ्रीली अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में, फ्रीली अवेलेबल है। आप अपने नियर बाय जो भी डिस्पेंसरी है हॉस्पिटल या आंगनवाड़ी केंद्र जो है, हाँ आंगनवाड़ी केंद्र से वहाँ पे भी अवेलेबल है, वहाँ से ला के रखें अपने घर में, हैंडी रखें हमेशा जी। डॉक्टर साहब एक और भी चलन है हमारे समाज में कि अगर बच्चे को दस्त होते हैं तो उसको कहते हैं कि उसको अजवाइन का पानी उबाल करके दे दो तो उससे दस्त रुक जाएंगे, या फिर अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए कहते हैं कि सौंफ का पानी दे दो, तो ये कितने लाभकारी हैं और बिना समझ के इनका इस्तेमाल करना क्या नुकसानदायक हो सकता है? हो भी सकता है क्योंकि आप किस तरह से उसको बना रहे हैं, क्योंकि हमारे फील्ड में इनके बारे में कुछ ज़्यादा हमें पढ़ाया नहीं जाता है जी, तो उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट मैं ये कहूँगा कि जो टाइम टेस्टेड है बेस्ट है जी, वो यही है कि दस्त के टाइम, देखिए दस्त जब बच्चे को लगे पहली बात तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को कि दस्त ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अभी कभी उसको बंद कर देंगे जी। कोई भी ऐसी दवाई ना दें जो कि एकदम से दस्त बंद कर दे जी। आती हैं ऐसी दवाइयाँ बाजार में हैं और कई बार कुछ लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं जी, उससे वो बाद में बच्चा जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंस जाता है जी। तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि जब दस्त लगे हैं वो अपना टाइम लेके जाएंगे, अपना टाइम लेके धीरे धीरे खुद ही ठीक। उस दौरान हमारा कोई ज्यादा रोल है, हमारा एक ही रोल है कि बच्चे को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, हमने ORS पिलाते रहना है ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो जी। बाकी 3-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर दस्त धीरे धीरे, पहले 1-2 दिन थोड़ा ज्यादा तंग करेंगे फिर उसके बाद धीरे धीरे सेटल हो जाते जी। और अगर किसी वजह से बच्चा पानी नहीं पी पा रहा है, सुस्त हो गया, ढीला हो गया, या जो पी रहा है सब उल्टी किया जा रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा ORS देते रहे, इमीजिएटली हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कई बार उसको हमें IV फ्लूइड्स लगाने पड़ सकते हैं, ड्रिप लगाना पड़ सकता है जी। डॉक्टर साहब आज की इस बातचीत से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दस्त को हमने हल्के में नहीं लेना है, और जब भी बच्चे को ऐसे कुछ लक्षण हो तो बच्चे को पानी या लिक्विड, जैसे आपने कहा कि छाछ दे दो, नींबू पानी दे दो, या चावल का पानी जो है हम जिसको पिच कहते हैं डोगरी भाषा में, तो वो बच्चों को दे सकते हैं। और अगर आपको लगे कि उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब हो रही है तो ऐसे में रिस्क मत लें, हॉस्पिटल जाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ और बच्चे को ज़रूर दिखाएँ। तो अगर ये सारी एहतियात हम बरतेंगे तो अपने बच्चों को दस के होने वाले नुकसान से बचा सकते। डॉक्टर साहब आप हमारे अनुरोध पर यहाँ पर आए और हमारे सुनने वालों को ढेर सारी जानकारी इस बारे में दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।